गुड मॉर्निंग, आइएगा आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का हम चैप्टर विद्युत द्विध्रुव में अक्षीय स्थिति के बारे में आप लोग सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ए और बी, ए बी जो कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो ए बी से मिलकर बना है, जो जिसमें ए में प्लस क्यू आवेस और बी में माइनस क्यू आवेस है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2a है। ध्यान दीजिएगा, दोनों a और b के बीच की दूरी क्या है, 2a है। इसका मध्य बिंदु क्या है, o है। मध्य बिंदु o है। o से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, p है। o से कौन सी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु p है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए हम चलते हैं। तो बिंदु a के कारण, बिंदु क्या है, a है। बिंदु a के कारण P पर, यहाँ पर P पर, बिंदु A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें हम E1 इसको लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0K ठीक, इंटू क्यू अपान ए पी का स्क्वायर, ए आर पी का स्क्वायर। ये आपको लिया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आती है ये सूत्र। तो क्यू अपान चूँकि प्लस है, आवेश होता है, तो प्लस क्यू अपान वन ए पी का स्क्वायर, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट है। अब हम लोग ए और पी ज्ञात करते हैं। तो ए पी बराबर होता है ओ पी माइनस ओ ए, अर्थात हमारा ओ और ये पी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी क्या है, ओ पी, और ओ पी को आर से प्रदर्शित करते हैं। देखो ओ पी इज इक्वल टू आर और ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये दो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है, और ये जो मध्य भाग है इस कारण इनको दो भागों में बांट देते हैं, ये हो जाता है ए और ये हो जाता है ए, इस प्रकार से। तो ये अब हम आगे देखते हैं। तो ए पी बराबर क्या हमें प्राप्त होता है, ओ पी माइनस ओ ए, ओ पी माइनस ओ ए। तो ए पी बराबर ओ पी का मान आर है और ओ ए का मान क्या है, ए है। तो समीकरण एक से देखते हैं, समीकरण एक क्या कहता है, ई वन इज इक्वल टू 1/4πε0K इंटू क्यू अपान, ये अपना ए पी का स्क्वायर का मान हो जाएगा ए माइनस आर माइनस ए पूरे का स्क्वायर, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। आइए पुनः बिंदु बी के कारण, बिंदु क्या है, बी के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इनको मानते हैं हम E2। तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0K, के क्या है, एक नियतांक है, और माइनस क्यू, माइनस ये बस चार्ज को बताते हैं कि इसमें माइनस चार्ज लगा है, और बी पी का स्क्वायर। तो हम ये बी पी का इसका, बी से कहाँ के पी जाए, तो बी पी का इसका, तो बी पी बराबर ओ पी, ओ और ये क्या हो गया पी में हम लोग ओ और ए बी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें बी पी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ओ पी का मान है आर और ओ बी का मान है ए, तो बी पी इज इक्वल टू हमें आर प्लस क्या प्राप्त होगा, ए। इस प्रकार ई टू इज इक्वल टू 1/4πε0K माइनस ये माइनस हम सिर्फ दर्शाने के रखा है, तो आर प्लस ए पूरे का स्क्वायर, क्योंकि इसमें ई वन बड़ा है, ई वन जो पहला इक्वेशन है ये बड़ा है किससे, ई टू से। तो बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर ई वन माइनस क्या हो जाएगा, ई टू। समीकरण 2 और 4 से ये हो गया अपना समीकरण 2, और ये क्या हो गया अपना समीकरण 4। दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देते, दोनों में पहला में दूसरे को घटा देते, तो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल जाए। तो ई बराबर इसमें से देखते हैं 1/4πε0K, और ये क्यू, ये क्या होता है, कांस्टेंट, दोनों में है तो बाहर निकल जाएगा। तो अब इसको गणितीय सूत्र से, जैसे कि 1/r - a पूरे का स्क्वायर माइनस 1/r + a पूरे का स्क्वायर, तो इसको जब पक्षांतर करते, इसका यहाँ पक्षांतर हुआ, तो 1+a का स्क्वायर a पूरे के स्क्वायर माइनस 1/r - a पूरे का स्क्वायर अपान r के स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, इस तरह से हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। ये सूत्र लगता है a माइनस b पूरे का स्क्वायर, a प्लस b पूरे का स्क्वायर, तो ये इसका सूत्र हो जाता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग पूरे का वर्ग। तो फिर हमें प्राप्त e इज इक्वल टू q/4πε0K, ये इसका सूत्र हो गया r का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस 2ar माइनस r का वर्ग प्लस a का वर्ग माइनस 2ar। ये आप लोग कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, r के स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, r के स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। तो इसको अब आगे हल करते हैं, तो हमें प्राप्त ये माइनस का जब अंदर में गुणा करते हैं तो r का स्क्वायर a का स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे, और ये प्लस में हो जाएगा, ये होगा 4ar। इस प्रकार से जब इसको दो भागों में बांटते हैं तो 2 × 2 ar, तो 2rqa इसका मान, इसका मान होता है p, तो हमारे पास आ जाएगा 2pr अपान 4πε0K
और इनटू वन अपान आर के स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर होल का स्क्वायर। चूँकि आर का मान बहुत बड़ा है ए से, तो ए को नगण्य मान लेते हैं, तो इज इक्वल टू 2πr अपान 4π एप्सिलॉन 0k इंटू 1 अपान r की पावर 4। 4 ए r और r कट गया तो r की पावर क्या हो जाएगा 3, तो इज इक्वल टू 1 अपान 4π एप्सिलॉन 0k इंटू 2π अपान r की पावर 3। इस प्रकार से हमें अच्छी स्थिति का व्यंजक प्राप्त होता है। धन्यवाद।